हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 11 है। आई एम अनुराग और टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सही है। सबसे पहले तो सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसमें पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। देखो, आपकी करेंसी के अलावा जितने भी करेंसीज हैं, सही है, जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, हमारी करेंसी है रुपीज, तो हमारे लिए यूएस डॉलर, पाउंड इन इंग्लैंड, यूरो यूरोप के अंदर, सही है, ये सब हमारे लिए क्या हो गए, ये सब हमारे लिए हो गए फॉरेन एक्सचेंज। सही है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, तो ये वो रेट है, दैट इज इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, यानी एक कंट्री की जो करेंसी है उसके बदले में दूसरे जो कंट्री है उसकी कितनी करेंसी आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 1 डॉलर मान लेते हैं अभी 65 का चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम 65 रुपी देकर 1 डॉलर ले सकते हैं, या एक अमेरिकन 1 डॉलर देके 65 रुपी ले सकता है। इसी को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सही है। आप एक करेंसी के बदले में दूसरी कितनी करेंसी ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। या फिर इसको मैं कह सकता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, एक इस यूनिट के बदले में आप दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट ले सकते हैं। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। भाई, रुपए के अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सब क्या हैं, फॉरेन करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इन इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसी लाइक यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार, ये सब हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। सही है। तो इस तरीके से इन दोनों की रेट को तय करना ही आपका क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड, कि 1 डॉलर को लेने के लिए रुपए की कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी। सर, रुपए की 65, 65 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अनदर। 1 यूनिट को लेने के लिए इसकी कितनी यूनिट चाहिए होंगी, उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कहते हैं। लिखा है द एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड इवन डे टू डे। हम तो देखते ही हैं, रोज न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे आता है कि आज डॉलर इतना बढ़ गया, आज इतना कम हो गया। लाइक मेनी अदर प्राइसेस, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसकी भी जो प्राइसिंग होती है वो कौन तय करता है, वो तय करता है डिमांड एंड सप्लाई। सही है। तो अब इसमें अपन आगे चलते हैं, तो अब इसमें नया वर्ड आ रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन। देखें, मान लेते हैं कि पहले जो ओल्ड रेट आपकी थी वो ये थी कि आप 1 डॉलर जो है उसके अंदर 60 रुपीज लगते थे। सही है। 60 रुपीज देके आप 1 डॉलर ले सकते थे। अब न्यू क्या हुआ कि अब इस 1 डॉलर को लेने के लिए आपको 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं। सही है। तो पहले 60 रुपीज में जो काम हो रहा था अब वो 65 रुपीज में हो रहा है, तो इसका मतलब आपके 60 रुपीज में वो पावर नहीं रही कि वो 1 डॉलर ले ले। अब आपको उसके लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई, कि 60 रुपीज में वो अब पावर नहीं रही कि वो 1 डॉलर ले ले। इसी को कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कि 60 रुपी में अब वो परचेजिंग पावर नहीं रही कि वो 1 डॉलर परचेज कर सके, अब वो 65 रुपी खर्च करने पड़ते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसको लैंग्वेज में पढ़ें, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी वैल्यू जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई क्योंकि अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। इट मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, इससे आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो काम पहले 60 रुपए में ही हो जाता था अब उसके लिए 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाता है, करेंसी डेप्रिसिएशन। सर, इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, इससे सीधी सी बात है, इससे एक्सपोर्ट्स जो हैं, इससे क्या होता है, इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स, इससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। सर, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ जाते हैं, देखो, अमेरिकन पहले इंडिया में आ रहे थे तो 1 डॉलर देके 60 रुपए का सामान ले जा रहे थे, अब उनको पता लगे अरे अब तो 1 डॉलर में 65 रुपए का सामान आ रहा है, तो वो ज्यादा सामान खरीदने आएंगे। वो ज्यादा सामान खरीदने आएंगे तो वो जो खरीदेंगे वो इंडिया के लिए तो एक्सपोर्ट हुआ ना, कि इंडिया वाले अमेरिका माल भेज रहे हैं, तो
तो वो जो खरीदेंगे वो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है, और अमेरिकन जो है ज्यादा इंडिया में आएंगे, क्यों? क्योंकि पहले उन्हें $1 में 60 रुपए का सामान मिल रहा था, अब उन्हें $1 में 65 रुपए का सामान मिल रहा है, दैट्स वाई हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इससे बढ़ जाएंगे, सही है। और इससे जस्ट रिवर्स कंडीशन है, करेंसी एप्रिसिएशन इसका उल्टा हो जाए, सही है। यानी अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूं कि मान लेते हैं कि पहले ओल्ड कंडीशन क्या थी कि $1 के जो है वो 65 रुपए में आ रहा था, लेकिन न्यू कंडीशन ये हो गई कि $1 अब 60 रुपए में ही आ रहा है। अब कंडीशन ये है, पहले ये थी, तो अब क्या हुआ, पहले आपको $1 लेने के लिए 65 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको $1 लेने में 60 रुपए ही देने पड़ते हैं, आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, यानी आपकी मनी की वैल्यू बढ़ गई है, तब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जो सामान पहले 65 रुपए में आता था अब वो 60 रुपए में ही आ रहा है, यानी आपकी मनी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। तो लिखा है करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इससे क्या होगा, जो अमेरिकन पहले $1 में 65 रुपए का सामान खरीदते थे, अब उनको पता लगेगा अब तो अपन 60 का ही सामान खरीद पाएंगे $1 में, तब उनकी परचेजिंग पावर इससे क्या हो गई, कम हो गई, तो वो जो है माल कम खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज एक्सपोर्ट्स, सही है। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या इंक्रीज एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे और डिक्रीज इंपोर्ट्स हो जाएंगे, या डिक्रीज एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे और इंक्रीज इंपोर्ट्स हो जाएंगे, इस तरीके से ये काम चलता है, सही है। इसीलिए यहां लिखा है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, सही है। एप्रिसिएशन से क्या होता है, इंक्रीज इन इंपोर्ट हो जाता है। देन इनके डिफरेंस रखे हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है, इससे जो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इससे इंक्रीज होती है। इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है कि इससे आपके जो इंपोर्ट्स हैं, इसलिए यहां लिखा है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और लिखा है इट लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, सही है। और देन उसका एग्जांपल दे दिया जो ओल्ड और न्यू का मैंने दिया था। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम कितने हैं, तो देखो ये तीन सिस्टम है, एक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है। इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं और इस फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये तो वो इनके नाम, अब बारी बारी से इनके बारे में अपन डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये नॉर्मली अभी वैलिड नहीं है। इसमें क्या होता है, रेट जो है नॉर्मली चेंज बाय गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट ही इसको जो है मेंटेन करती है, डिटरमाइन जो है वो इसमें गवर्नमेंट ही करती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है, जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि हम $1 की रेट को कहीं 60 से लेकर 65 के बीच में मेंटेन करेंगे, यानी इतने रुपए के बीच में मेंटेन करेंगे, यानी 60 से 65 के बीच में चल रहा है तो ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 60 से नीचे चला गया, 59 या 65 से ऊपर चला गया 66, तो फिर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, सही है। तो लेकिन इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि जैसे ही वो भाव कम होते हैं या ज्यादा होते हैं तो उनको अपने करेंट जो उन्होंने रिजर्व मेंटेन किए हैं उनका यूज करना पड़ता है, ठीक है। और लिखा है कि ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ उसको उसकी वैल्यू को बांध दिया जाता है। जैसे कि अपन ने यहाँ ₹1 को डॉलर के साथ अपन ने साइन कर रखा है। अब दुनिया में केवल डॉलर ही तो नहीं है, पर डॉलर हम जानते कि एक बहुत बड़ी करेंसी है और बहुत बड़ी कंट्री की करेंसी है, इस तरह से हमने उसको उसके साथ असाइन कर रखा है। तो इसमें दो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, जिससे आपको पता लग जाएगा पेगिंग क्या होता है और पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होता है। पेगिंग क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपीस इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी यानी डॉलर। अगर रुपए को आप डॉलर के साथ नाप रहे हैं तो इसको बोलते हैं पेगिंग। आपने रुपए को क्या कर दिया, डॉलर के साथ अटैच कर दिया कि हम जब भी वैल्यू करेंगे तो हम डॉलर के साथ करेंगे, तो इसको बोलते हैं पेगिंग। व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अनदर करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड, और अब अगर आप गोल्ड की टर्म में कि भाई 10,000 रुपए में इतना गोल्ड आता है तो कितने डॉलर में 10,000 रुपए का जो हमारा गोल्ड है वो आपका आ जाएगा, इस तरीके से हम उसको असाइन कर दें, सही है, इन टर्म ऑफ गोल्ड। यहाँ तो केवल आपने रुपए को डॉलर के साथ जोड़ा और यहाँ रुपए को किसके साथ जोड़ दिया, गोल्ड के साथ, तो इसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो डॉलर के साथ जोड़ो यानी अनदर करेंसी के साथ, उसको बोलते हैं पेगिंग करना, और अगर गोल्ड के साथ जोड़ो तो उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ये एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सही है।
और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करते हैं कि सर ये सिस्टम जो है कब कब चल रहे थे, कि पेगिंग वाला कब तक चल रहा था, पेरिटी वाली वाला कब तक चल रहा था। तो लिखा है इन अर्लियर टाइम एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो चल रहे थे ना, ये 1870 से 1949 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक। एंड द ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड जो चल रहा था वो 1944 से 1971 चल रहा था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि इस पीरियड में चल रहा था, उसमें क्या था कि हमने ये तय कर दिया कि भाई 1 पाउंड में कितना गोल्ड आता है, 1 डॉलर में कितना गोल्ड आता है, उसको हर चीज को गोल्ड के मेजरमेंट में किया जाता था। अब दोनों के गोल्ड को कंपेयर करके हम पाउंड की रेट जो है वो निकाल लेते थे। सही है कि 1 पाउंड के अंदर 5 ग्राम गोल्ड आता है, 1 डॉलर के अंदर 2 ग्राम गोल्ड आता है, तो इसका 5 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है, तो 5/2 करा तो इसका मतलब 1 पाउंड जो है वो 2.5 डॉलर के बराबर है। सही है। और ऐसे ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड जो था उसने क्या किया, गोल्ड को रिप्लेस कर दिया किससे, यूएस डॉलर से। सही है, पहले हम गोल्ड से मेजर कर रहे थे, दैट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड, और ब्रेटन वुड सिस्टम में यूएस डॉलर को कर दिया, उसने यूएस डॉलर को क्या है कंपैरिजन का स्टैंडर्ड जो है बना दिया। दिस सिस्टम गेव बर्थ टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एज द सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। तो ये पहले जो गोल्ड था वो गोल्ड रिप्लेस हो गया किससे, डॉलर से। गोल्ड वाला सिस्टम कहलाता था गोल्ड स्टैंडर्ड, और जो यूएस डॉलर वाला था वो ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड कहलाने लग गया। सर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो, उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट, MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरा नंबर है 9829224488, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।